डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम जो लेसन पढ़ रहे हैं द फन दे हैड, आज हम इसका थर्ड पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। टॉमी स्क्रैम्ड विद लॉफर, यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। मार्गी और टॉमी की जो डिस्कशन चल रही थी वो स्कूल के बारे में थी, तो टॉमी इसको अपना जो आइडिया दे रही है। टॉमी हंसने लगी मार्गी की बातों पर, क्योंकि मार्गी को अजीब सा लगता था एक इंसान जब पढ़ाता है तो वो कैसे पढ़ाता होगा। इस पे टॉमी हंसती है और मार्गी को कहती है कि आप नहीं जानती हो स्कूल के बारे में, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। जो टीचर पढ़ाने के लिए आता है, जो उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है, वो घरों में नहीं आता है। उनके लिए देहाड़े स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक खास बिल्डिंग होती है जिसमें वो पूरे बच्चों को जमा करते और उनको पढ़ाते हैं। वो खास बिल्डिंग क्या होती है? स्कूल। जिस तरह हम आप लोगों को एक ही जगह जमा करते हैं स्कूल में या क्लास में, इस तरह पढ़ाते हैं। तो लेकिन जो मार्गी और टॉमी जो पढ़ते थे, वो पढ़ते थे मैकेनिकल टीचर के पास, वो स्क्रीन पे पढ़ते थे, टीवी पे पढ़ते थे। उनकी पढ़ाई में और हमारी पढ़ाई में आसमान जमीन का फर्क है। ये दो बच्चे भी इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। सारे बच्चों को जब एक ही क्लास में रखा, एज यू नो, बच्चों आप जानते हो, जिस तरह आप सब बच्चे 50 होंगे 60 होंगे एक ही क्लास में होते हैं, हम जो पढ़ाते हैं सब बच्चों को सेम पढ़ाते हैं। श्योर, इफ दे वर द सेम एज, मार्की इसको बोलती है, क्या आप सच बोलती हो, क्या वो एक ही उम्र के होते हैं? बट माई मदर सीज ए टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ बोलती है, जिस जो बच्चे हम जमा करते हैं, टीचर हैड टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड, जो टीचर बच्चे करते हैं स्कूल में जमा। टॉमी कहती है मार्गी को, ये जो टीचर है, ये हर एक लड़के को, हर एक लड़की के दिमाग के मुताबिक उनको पढ़ाता है। तो समझो कि जितना सब बच्चों को मद्देनजर रखते हुए ये टीचर क्लास में पढ़ाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। मार्गी ने जल्दी जल्दी उसको बताया कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं उठ रही हूँ, मैं जा रही हूँ। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो पढ़ना चाहती थी इन फनी स्कूलों के बारे में, यानी स्कूल्स में बच्चों को किस तरह पढ़ाते हैं, एक ही क्लास में किस तरह बिठाते हैं, एक ही किस्म का सबक किस तरह पढ़ाते हैं। इसको ये बात अजीब लगी और जल्दी से उठी और पढ़ने लगी इन स्कूलों के बारे में, जिन स्कूलों में बच्चों को एक ही जगह बिठा के पढ़ाया जाता है। ये जिस तरह हम पढ़ाते हैं, ये हमारे जैसे स्कूलों को फनी स्कूल्स कहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। अब ये बुक पे पढ़ रहे थे इन स्कूलों के बारे में, अभी इन्होंने पढ़ाई खत्म भी नहीं की थी कि मार्गी की माँ ने बुलाया। मार्गी स्कूल, मार्गी लुकड अप, नॉट येट मामा। मार्गी को अपनी माँ ने बुलाया कि आपकी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुकड अप, नॉट येट मामा, नाउ सैड मिसेस जॉन्स, एंड इट इज प्रोबेबली टाइम टू टॉमीज टू। मार्गी को अब अपनी माँ कहने लगी कि अब आप लोगों के स्कूल का वक्त हो गया, आप पढ़ाई करो। और टॉमी को भी सेम वही बात कही। मार्गी सैड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। अब ये दोनों बच्चे मार्गी और टॉमी डिस्कस कर रहे हैं, कैन आई रीड द बुक, क्या हम इस किताब को अपने स्कूल के बाद इकट्ठे पढ़ेंगे। मे बी ही सैड नॉन्टेंटली ही वॉकड अवे, वो हंसते हुए एक दूसरे के साथ बातें करने लगी। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटियां बजाते चली गई। द डस्टी ओल्ड बुक ट्रकड ब्रीथ हिम आर्म, ये जो पुरानी बुक थी उसको अपने बाजू में उठाया था और चली गई किसी जगह इस किताब को पढ़ने के लिए। थैंक्स।